हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? मैं अनुज कुमार सिंह, आपका दोस्त, आपका बहुत बहुत स्वागत है अकाउंटेंसी क्लासेस में। आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं, टॉपिक का नाम है गुडविल। टॉपिक क्यों, न्यू चैप्टर है आप में और कुछ पार्ट इसमें ऐड भी हुआ है हमारा इस साल सिलेबस में 2020 में, तो गुडविल का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो मैं बेसिक बेसिक चीजें अगर आपको बताऊं, सबसे पहले गुडविल क्यों निकाला जाता है? 2 दिन या 3 दिन मान लो मैक्सिमम चैप्टर चलेगा, बहुत ही छोटा सा चैप्टर है। तो गुडविल क्यों निकाला जाता है? देखो, गुडविल निकालने का पर्पस है, क्या पर्पस है कि आपका, मान लेते ए और बी, ए जो है पिछले 10 साल से और बी भी 10 साल से अपना बिजनेस रन कर रहा है, दोनों मिलके अपना बिजनेस रन करता है। समझने की कोशिश करना बच्चे आप, तो बताओ 10 साल से अगर बिजनेस रन कर रहा है तो ए ने भी बहुत सारे एफर्ट लगाए होंगे, बी ने भी बहुत सारे एफर्ट लगाए होंगे, अलग अलग तरीके के इन्होंने डिसीजन लिए होंगे। क्या इस फर्म का, जो ए और बी फर्म है, इसका गुडविल है या नहीं है? बिल्कुल, इसका कुछ ना कुछ तो रेपुटेशन होगा। गुडविल क्या होता है? बेसिकली रेपुटेशन। अब इन्होंने डिसाइड किया कि हम सी को लेके आए, तो सी को, सिंपल सा लॉजिक है, अगर सी आता है बिजनेस के अंदर तो ए और बी आए थे तो क्या अपने घर से पैसे लेके आए थे? बिल्कुल कैपिटल लेके आए थे। और क्या अपने घर से ये पूंजी लाया था? बिल्कुल लाया था। लेकिन गुडविल नहीं लेके आए थे ये, क्यों? क्योंकि बिजनेस उस टाइम स्टार्ट ही हुआ था, तो स्टार्टिंग में 10 साल पहले क्या इनकी गुडविल रही होगी? नहीं रही होगी। लेकिन जब सी एंटर करने लग गया तो इस टाइम पे इसकी गुडविल बन चुकी है। तो सी अपने साथ क्या लेके आएगा बिजनेस में आएगा? तो एक तो कैपिटल लाएगा। तो ये दोनों पार्टनर जो बोलेंगे, बोलेंगे भाई मैंने इतने दिन से मेहनत किया है, आप डायरेक्ट एंटर होके प्रॉफिट कमाओगे, सिर्फ कैपिटल से बात नहीं बनेगी, आपको गुडविल भी लाना पड़ेगा। तो ये पार्टनर रिस्पॉन्सिबल होता है कि ये गुडविल भी लेके आए। लेकिन गुडविल किसका? सिर्फ अपने हिस्से का। तो इस फर्म का क्या गुडविल है ये लेके आएगा, ये समझ में आया। लेकिन कितना गुडविल इस फर्म का है, कितना, वो कैसे निकाला जाए, बेसिकली इस चैप्टर में सीखेंगे। किसी भी पार्टनरशिप फर्म का गुडविल किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है वो सीखेंगे। और हमेशा याद रखना, ये जो गुडविल निकालते हैं वो एक अंदाजे बेसिस पे होता है, एक्चुअल नहीं होता, वो अंदाजे बेसिस पे होता है। अब इसको निकालने के लिए हमारे जो अकाउंट्स के ऊपर रूल बनाते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, उन्होंने एक रूल निकाला है। उस रूल में है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, हाउ टू कैलकुलेट गुडविल, वहां पे कुछ गिवन है, उसी में से थोड़ा सा पार्ट हमारे बस 12th में, हमें पूरा नहीं पढ़ना ES 26। तो बोला गया भाई गुडविल जब कभी भी निकालोगे तो इसके निकालने के ना अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट मेथड है, जैसे एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड, जैसे कि सुपर प्रॉफिट मेथड, जैसे कि कैपिटलाइजेशन मेथड, और हम बोल सकते हैं जैसे कि वेटेड एवरेज मेथड, तो ये अलग अलग मेथड्स हैं। मैं सिंपल सा एग्जांपल लूँ तो एवरेज प्रॉफिट मेथड और गुडविल, हर किसी में आंसर अलग अलग आएगा। एग्जामिनर आपसे डिमांड करेगा इस मेथड से निकाले। बेसिकली इस फर्म का गुडविल निकाला जाएगा पिछले साल के डेटा को देख के। हम फ्यूचर का गुडविल तो नहीं निकाल सकते, कल के दिन बर्बाद हो जाए कंपनी। जो पीछे हमने काम किया, यानी पिछले साल के प्रॉफिट,
कितने साल का प्रॉफिट, तो एक कैलकुलेशन बनाया हुआ है। जैसे कि अगर मैं एवरेज प्रॉफिट मेथड की बात करूं तो इसका फॉर्मूला होता है गुडविल इज इक्वल टू, और ये पूरे फर्म का तीनों का निकलेगा, एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ परचेज ईयर, ठीक है ना। तो ये मैंने एक अंदाजा दिया आपको, तो हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। नोटिंग मत करना, नोटिंग के लिए मैं प्रॉपर फॉर्मूला भी लिखूंगा और प्रॉपर तरीके से करूंगा, एक मोटा मोटा अंदाजा पता चला। तो अब सबसे पहले क्वेश्चन इसमें थ्योरी के बेस पे भी बन सकता है कि भाई गुडविल के अफेक्टिंग फैक्टर क्या है, ऐसे क्या क्या चीजें फैक्टर है, ऐसे ऐसे क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं जिससे हमारा गुडविल अफेक्ट होता है। नंबर वन, साइज, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो गुडविल क्या होगा हमारा, ज्यादा होगा। नंबर दो, प्लेस, अच्छी जगह पे होगा तो गुडविल ज्यादा होगा। जैसे मान लो आपकी दुकान सीपी में है, तो सीपी बहुत देखा जाए तो एक ऐसा एरिया है जहां पे बहुत क्राउडी एरिया है और बहुत फेमस एरिया है, तो वहां पे आपकी दुकान ऑब्वियस है कि आपकी गुडविल अच्छी होगी। लेकिन आपके विलेज के किसी कोने में है तो वहां पे जनरली इतनी अच्छी गुडविल नहीं होगी। तो पहले साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा आपका प्लेस, क्वालिटी, अगर आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी है तो आपकी गुडविल दूर दूर तक, आपके प्रोडक्ट के लोग दूर दूर तक खरीदने के लिए आएंगे। क्वालिटी के साथ साथ क्वांटिटी, क्वांटिटी भी गुडविल को अफेक्ट करता है। जैसे मैं अपना एग्जांपल लूँ, मुझे कहीं फूड खाने जाना होता है बाहर, अगर मैं फास्ट फूड खाता हूँ तो मैं क्वालिटी भी देखता हूँ, और फिर मैं देखता हूँ यार वहां पे ना इतने रुपए का खाते थे, 100 रुपए का तो पेट भर जाता था, उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों अच्छी है। तो ये चीज भी है, तो अफेक्टिंग फैक्टर आपके बुक में गिवन है, तो आपको दो तीन याद रखना है, जैसे प्लेस हो गया आपका, साइज हो गया ऑर्गेनाइजेशन का, क्वांटिटी हो गया, क्वालिटी हो गया, ये सारी चीजें यहाँ पे अफेक्ट करेगा। तो हम थ्योरी पे नहीं, प्रैक्टिकल पे, प्रैक्टिकल के सारे के क्वेश्चन करेंगे। तो अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टू गुडविल आपके बुक का सेकेंड चैप्टर, एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन 2 से 4 नंबर का आएगा, 1 से 2 दिन का चैप्टर है, आप सारे क्वेश्चन करोगे फटाफट आंसर भी आ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम गुडविल चैप्टर, जो मैं बोर्ड पे लिखूंगा, सारे फॉर्मूला पहले ध्यान से लिखना और सही से समझना है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करवाऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर नंबर आपके बुक का 3, गुडविल, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, ठीक है।